तो देखिए 2015 में लॉन्ग सम्स में क्या आया है, फाइव नंबर बोले, जॉय कंपनी लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 20 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ रूपीज 5। जॉय कंपनी लिमिटेड ने इशू किया 20,000 इक्विटी शेयर 20 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5, तो कितना हो गया जी 20 एंड 5 25। और ये 20 रुपया और 5 25 रुपया टोटल कैसे मांगा जा रहा है, एप्लीकेशन पे 5, अलॉटमेंट पे 10, उसमें प्रीमियम इंक्लूड है, फर्स्ट कॉल 5, फाइनल कॉल 5। याद कीजिए जब हम आपको स्टार्टिंग किया थे कि शेयर एट पार एट प्रीमियम और डिस्काउंट पे होता है, और जो 10 रुपीज है एक मरते में नहीं मांगा जाता है, जो सबसे पहले मांगा जाता है उसको हम लोग एप्लीकेशन में नहीं बोलते हैं, इसके बाद के जो पैसे मांगे जाते हैं उसको अलॉटमेंट बोला जाता है, और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट फाइनल कॉल मांग लिए थे, जबकि उसको फर्स्ट और फाइनल अलग अलग हो सकता है। हर एक के लिए आपका 2 एंट्री बनता था, 3 मरते में रुपये मांगेंगे तो 6 एंट्री बनेगा, यहां तो 4 मरते में मांगा है तो कितना एंट्री हो जाएगा, ऐसे ही यहां पर हमारा 8 एंट्री पहले हो गया। और अगर फॉरफीचर होगा तो फॉरफीचर का 1 एंट्री होता है तो 8 और 1 9 हो जाएगा, और अगर रीइश्यू करते हैं तो उसका 2 होता है तो एकदम 11 तक चला जाएगा। चलो देखते हैं नीचे क्या बोला है, ऑल अमाउंट ड्यू ऑन शेयर्स वेयर रिसीव्ड, इसके बाद अंडरलाइन करो, एक्सेप्ट 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 1,000 शेयर फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, 1,000 शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दिया, यानी जब हम लोग फर्स्ट कॉल मांगेंगे उस समय कॉल सिनेरियर हो जाएगा 1,000 शेयर्स के ऊपर, एंड जब फाइनल कॉल भी मांगेंगे तो वहां पर भी हमारा 1,000 के ऊपर हो जाएगा। बट आगे देखिए क्या बोल रहा है, एंड अनदर शेयर होल्डर अंडरलाइन करो होल्डिंग 500 शेयर फेल टू पे फाइनल कॉल मनी। अब आप में से जवाब देना है, मान लीजिए एक शेयर होल्डर ने यहां पर जो दिया हुआ है सम्स में कि फर्स्ट कॉल नहीं दिया और फाइनल कॉल भी नहीं दिया, तो फर्स्ट कॉल में कॉल सिनेरियर होगा 1,000 के ऊपर, लेकिन जब फाइनल कॉल में जाएंगे तो ये 1,000 तो दिया ही नहीं, अनदर शेयर होल्डर एक और भी है जिसके पास 500 शेयर था, उसने फाइनल कॉल नहीं दिया, तो फाइनल कॉल का जब आप रुपया मांगेंगे तो वहां पर 1,500 के ऊपर कॉल सिनेरियर होगा। ओके, अब जरा ध्यान से देखिए, दीज 1,500 शेयर्स वेयर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड बाय द कंपनी, कंपनी ने फॉरफिटर कर लिया। तो देखो यहां पर एक बात हम आपसे पूछते हैं, जवाब देना बढ़िया से, शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ है तो जब हम फॉरफिचर का एंट्री करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर के नीचे क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। यस, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्रीमियम अलॉटमेंट में है और अलॉटमेंट का पैसा तो दोनों को ही दिया है। ओके, रीइश्यू तो नहीं किया, आपको बोला जर्नल एंट्रीज करने के लिए, तो टोटल कितने जर्नल एंट्री होंगे, 4 के डबल 8 और 1 फॉरफिचर, तो कितना हो गया 9। अब जल्दी जल्दी करना है तभी तो 9 होगा, हमको एक बार मिटा के भी करना पड़ेगा। ये 2015 का सम्स है, 2015 इन द बुक ऑफ, डेबिट और क्रेडिट तो लिखना ही होगा, शेयर 20,000 बेचना चाहते थे एंड रिसीव्ड भी कितना हुआ, कुछ नहीं बोला तो सारा काम किसके ऊपर करेंगे आप, 20,000 के ऊपर। पहला जर्नल एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बिंग तो लिखना है, और फिर दूसरा क्या करेंगे आप बोलिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट, दो दो करके अमाउंट बिठाइए, बताओ कितना लिखोगे आप? 20,000 इंटू 20,000 इंटू 5 तो 1,00,000 आ गया, 1,00,000 करके हम लोगों ने लिख दिया। वापस हम लोग फिर दो एंट्री करेंगे अलॉटमेंट के लिए। इक्विटी शेयर, यहीं पर एक बात वापस हम आपको रिपीट कर रहे हैं, मैंने बोला था आपको कि अगर आप दो एंट्री जानते हो 4, 6, 8 सारे कर सकते हो। ये जो सेकंड एंट्री है जहां पर एप्लीकेशन है वहां पर करना क्या है? सिर्फ अलॉटमेंट। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बट ये प्रीमियम पे इशू हुआ है तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, रिंग तो लिखना ही है। और जब रुपया आएगा बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट बिठाइए, बोलिए 20,000 इंटू 10, क्योंकि आप देख रहे हो अलॉटमेंट पे 10 रुपीस बोला है तो कितना हो जाएगा? बट ये जो 10 रुपीस है ना वो दो भागों में बटेगा, इसके ऊपर प्रीमियम है, कितना प्रीमियम है? तो 20,000 इंटू 5 तो 1,00,000 रुपया चला गया कैपिटल में और 1,00,000 चला गया प्रीमियम। कोई कॉल सिनेरियर नहीं है, तो जितना से अलॉटमेंट डेबिट उतना से क्रेडिट। फिर क्या करेंगे बोलिए? फर्स्ट कॉल अभी हम लोग एंट्री करेंगे, फर्स्ट कॉल का बहुत ही आसान। अब देखो जहां पर इक्विटी शेयर ये जो पहला दूसरा, दूसरा को पहला बनाए, अब यहीं से देख देख के करेंगे हम लोग, जहां पर अलॉटमेंट है वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? फर्स्ट कॉल, यानी इक्विटी शेयर जैसे लिखा हुआ यहां पर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बिंग तो होगा ही, अमाउंट बिठा दे रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी फिर से लिखना पड़ेगा हमको। कितना करेंगे? 20,000 इंटू 5, क्योंकि फर्स्ट कॉल में 5 रुपया है। यहां तक हो गया कॉपी? बोलो मिटा दें, यहां तक कंप्लीट? अभी ये जो फर्स्ट कॉल है ना इसका रुपया मांगेंगे, फिर फाइनल कॉल मांगेंगे, तब जाके फॉरफीचर होगा, क्योंकि 4 मरते में रुपया मांग रहा है तो 8 एंट्री होना है। अभी हम लोग 2 और 2, 4 किए हैं, अब फर्स्ट कॉल का 2 करेंगे। मिटा दे रहे हैं, यहां पर फर्स्ट कॉल में जब आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डीआर तो कॉल सिनेरियर होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1000 शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, बैंक अकाउंट डीआर कॉल सिनेरियर अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, अमाउंट पहले बिठा ही लो। फर्स्ट कॉल कितना से डेबिट था बताइए, मैं मिटा चुका हूं,
1000 लोग फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो 1000 इंटू 5 5000 रुपया मेरे पास नहीं आया, 100000 में 5000 नहीं आया, यहां पर 95000 होगा। बट आप ऐसे देखो कि आप कितने लोगों से रुपये मांग रहे थे, 20000 लोगों से, 1000 लोग नहीं दिया तो कितना लोग दिया, 19000 इंटू 5। अब हम लोग फाइनल कॉल मांगेंगे, जो सेकेंड एंट्री है वो फर्स्ट एंट्री बनेगा, क्या लिखेंगे बोलिए, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बैंक अकाउंट डीआर कॉल्स इन एरियर अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट अमाउंट बिठाना है, कितने लोगों से मांगेंगे, कितना रुपया, क्योंकि फाइनल कॉल भी 5 रुपया है, टोटल 100000 रुपया आना चाहिए था, जितना से डेबिट उतना से क्रेडिट। बट देखिए क्या बोला है, 1000 जो एक शेयर होल्डर था वो तो नहीं दिया, अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स जिसने ओनली फाइनल कॉल नहीं दिया, तो 1500 लोग कितना करके नहीं दे रहा है, 5, तो कितना होगा, 7500। आप यहां माइनस करके लिख सकते हैं, 100000 में 7500 नहीं आया तो 92500। बट ऐसे देखो, 20000 लोगों से रुपया मांग रहे थे, 1500 लोग नहीं दिया तो कितने लोग दे रहे हैं, 8500 लोग, कितना करके, 5, 18500, 20000 में 1500 लोग नहीं दिया तो 18500 इंटू 5 आ गया 92500। अब शेयर को बोल रहा है फॉरफीचर करने के लिए, अभी फॉरफीचर का एंट्री करना है, बताइए फॉरफीचर का एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, यहां पर देख रहे हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि जो दो शेयर होल्डर जिसने रुपया नहीं दिया, जिसके शेयर को आप फॉरफीचर कर रहे हैं, वो ऑलरेडी प्रीमियम का पैसा दे चुका है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब जरा बताइए यहां पर अमाउंट के बारे में कितना लिखेंगे, सबसे पहले वही बात, कितना शेयर फॉरफीचर कर रहे हैं हम लोग, 1500, 1500 शेयर जो फॉरफीचर कर रहे हैं फाइनल कॉल के बाद, तो टोटल रुपया मांगा गया, फुली कॉल्ड अप हो गया तो 15000 रुपया। क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 20 रुपया है तो ठीक है 20, तो कितना हो जाएगा यहां पर 30000। हमेशा आप जानते हैं मैक्सिमम 10-10 देता है, बट यहां 20 किया, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना शेयर फॉरफीचर कर रहे हैं हम लोग, 1500 शेयर का टोटल वैल्यू कितना हुआ, 20 इंटू किया 30000। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1000 शेयर होल्डर सबसे पहले फर्स्ट कॉल नहीं दिया, कितना रुपया, 5000, और फिर फाइनल कॉल कितना नहीं दिया, 7500, तो टोटल कितना हो गया, 12500। अब 30000 में 12500 नहीं दिया तो दिया कितना, यही फॉरफीचर हो गया, ठीक है जी।